देखिए, हम लोग इस वक्त बैगा चक के रजनी सराई गांव में बैठे हुए हैं और बैगा चक उस एरिया को कहा जाता है जहां बैगा जनजातियां भारत की जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जो आदिम जनजाति है, वो रहती है। और 1890 में ब्रिटिशर्स के समय इनका नोटिफिकेशन हुआ था, इसलिए इसको बैगा चक को एक कन्फाइंड टेरिटरी मान लिया गया, जबकि वाकई में बैगा चक का मतलब होता है वो सारा क्षेत्र, वो सारा जियो कल्चरल जोन जिसमें बैगा कम्युनिटी रहती है। तो इसलिए आइडियली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के मुताबिक यदि इनका हैबिटेट राइट्स का यदि सेटलमेंट होना है या होना होता तो ये पूरा उसके जियो कल्चरल जोन का होना होता, यानी कि सीधी जिला से लेके बिलासपुर जिला तक जितने भी बैगा कम्युनिटी इस क्षेत्र में रहते हैं, जो मध्य प्रदेश के हिस्से में मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया और सीधी तक जहाँ तक भी बैगा रहते हैं, उनके जियो कल्चरल जोन का एक परमानेंट जो है वो सेटलमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू होना था। और ये प्रोसेस शुरू होता है उनकी ट्रेडिशनल पंचायत की मीटिंग कॉल करके, उनकी अपनी जो परंपरागत पंचायतें हैं जिनको बैगा अपनी परंपरागत पंचायतें कहते हैं, या इस जिले में 84 गांव हैं जो बैगा चक में आते हैं डिंडोरी जिले में, तो उन 84 गांवों की एक कॉमन एक मीटिंग बुला के वहां से इसकी ड्राफ्टिंग का प्रोसेस शुरू होता, नजरी नक्शा बनाया जाता, लोग रेजोल्यूशन पास करते, लोग बताते कि उनके क्या क्या परंपरागत अधिकार रहे हैं, उनको लिखा जाता, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता और फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके हैबिटेट राइट्स का क्लेम जो है उनका सेटल किया जाता। यहाँ रजनी सराई, अजगर, लमोथा, जिलांग, सिलपीढ़ी, जिन गांवों में इस हैबिटेट राइट्स को दिया गया या हैबिटेट राइट्स के नाम पे जिस अधिकार को दिया गया, वास्तव में वन संसाधनों का अधिकार है, वास्तव में वो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के सेक्शन बी और सेक्शन सी का जो है वो सेटलमेंट है, जिसके तहत इंटरेस्टिंग है ये देखना कि उनको 23,000 एकड़ जमीन मिली, लेकिन इस 23,000 एकड़ जमीन में से ज़्यादातर ज़मीनें जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का है, वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया का नहीं है, जबकि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में ही इनकी इनके निस्तारी राइट्स हैं, इनका ज़्यादातर निस्तार जो है, ज़्यादातर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो कलेक्शन जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में होते हैं, क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट है और एक्चुअल फॉरेस्ट मिक्स फॉरेस्ट वही है। मुझे लगता है कि प्रोसेस कि शायद पूरी समझ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी नहीं है, इसलिए ये जो प्रोसेस हुआ हम उसका स्वागत इसलिए करते हैं कि कम से कम 23,000 एकड़ जमीन गांव को वापस मिली जो गांव की जमीन थी। लेकिन प्रश्न चिन्ह इस पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितनी भी जमीनों को मिलना चाहिए था, जितनी भी जमीनें इन सात गांवों को मिलनी चाहिए थी, उतनी जमीन नहीं मिली। गांव वालों की भाषा में कहें तो चार आना जमीन मिली, यानी कि करीब करीब 25% लैंड का जो है वो सेटलमेंट हुआ, लेकिन 75% लैंड जिन पे इस कम्युनिटी का, बैगा कम्युनिटी का क्लेम था, वो अभी भी सेटल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है प्रोसेस अच्छा है, हमको इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि कम से कम डिंडोरी के जिला प्रशासन ने इसकी इस प्रक्रिया की शुरुआत की, लेकिन अभी इसको एक निर्णायक मुकाम तक पहुँचना बाकी है। मुझे लगता है कि इसका भविष्य काफ़ी अच्छा है क्योंकि भारत में 76 जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जिनका अपने उनके अपने जियो कल्चरल जोन पर जो है वो अधिकार रहा है, परंपरागत अधिकार रहा है, और ख़ास करके जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को दूर करने के नाम पे इस एक्ट को लाया गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस क्या था, जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक हिस्टोरिकल इनजस्टिस को दूर नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिकल इनजस्टिस ये था कि उनके जो अपने परंपरागत अधिकार थे, जो ट्रेडिशनल राइट्स था, उनको हमने कंसेशंस पे कन्वर्ट कर दिया, हमारे फॉरेस्ट एक्ट ने उनको कंसेशंस मान लिया। हिस्टोरिकल इनजस्टिस ये है कि पूरे फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी नाम की एक ऐसी हम लोगों ने मशीनरी खड़ी कर दी जो आदिवासियों को दुश्मन और इंक्रोचर मानना शुरू कर दी, जबकि हम हमेशा प्रश्न लगाते हैं कि हु इंक्रोच ऑन हुज लैंड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आदिवासियों की जमीन को इंक्रोच किया या आदिवासियों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन को इंक्रोच किया। तो जो दूसरा जो पूरा हिस्टोरिकल इनजस्टिस की जो वजह जो आई वो पूरे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की वजह से आई, तीसरा पूरा लीगल फ्रेमवर्क की वजह से आई। या आप 1927 के एक्ट को देख लीजिए, 1865 के एक्ट को देख लीजिए, 1980 के एक्ट को देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को देख लीजिए, JFM और CFM के मॉडल को देख लीजिए, ये सभी मॉडल, ये सभी लीगल फ्रेमवर्क, एक गांव में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी की क्या जरूरत है जबकि सबको मालूम है कि फॉरेस्ट बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे गांव का है। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी बनाने के पीछे मकसद ही ये था कि आप गांव को दो टुकड़ों में विभाजित करते हैं, एक को ये कहें कि तुम जंगल काटते हो और दूसरों को ये कहें कि जंगल बचाना तुम्हारा काम है, जबकि वास्तव में समुदाय दो टुकड़ों में नहीं बटा हुआ था।
वो दोनों ही समुदाय की जो है वो एक जैसी जरूरतें थी। तो जो तीसरा जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस का फ्रेमवर्क आया वो पूरा हमारे अपने एक लीगल सेटअप की वजह से आया। तो जब तक हम इन फ्रेमवर्क्स को स्टेप बाय स्टेप रेक्टिफाई नहीं करते, उनको दूर नहीं करते, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट में परिवर्तन नहीं आता, हमारे लीगल फ्रेमवर्क में जब तक परिवर्तन नहीं आता, हमारे जो लोअर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको तब तक जब तक ये समझ में नहीं आता कि वाकई में ये जमीन बैगाओं की है, ये जमीन रबारियों की है, ये जमीन माड़िया की है, ये जमीन पहाड़ी कोरवा की है, तब तक शायद वो जमीन देंगे नहीं। मुझे लगता है कि फिर भी यदि यहाँ पे एक हैबिटेट राइट्स के क्लेम को सेटल करने के फर्स्ट प्रोसेस को जो है वो शुरू किया गया है तो वो अच्छा स्टेप है, क्योंकि वो शायद इन तीनों फ्रेमवर्क को धीरे धीरे चैलेंज कर सके। ईमानदारी से कहें तो हैबिटेट राइट सेटलमेंट होने के बाद यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है उसके बाद। लेकिन हमें मालूम है कि भारत के संविधान के मुताबिक तब भी वो अपने आप को इनकी ज़मीनों का मालिकाना हक मानेंगे, वो तब भी कहेंगे कि नहीं ये ज़मीन फॉरेस्ट की है, हमने तो इनको केवल उनके अधिकार दिए हैं। वाकई में उनके अधिकार नहीं, ये उनका स्वामित्व देने की बात है, ओनरशिप देने की बात है, केवल राइट्स देने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रोसेस शुरुआत हुई है, इसलिए उसका वेलकम करें, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि भारत के दूसरे प्रिमिटिव ट्राइब्स तक भी ये मैसेज जो है वो जरूर पहुंचेगा।